15 अगस्त 1947, ये वो खुशी का दिन था जब हमारा भारत ब्रिटिश साम्राज्य से आजाद हो गया था, जिसके बाद भारत एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक देश बना। दोस्तों, आज भारत का नाम पूरे विश्व में जाना जाता है। आज पूरे विश्व में भारत की पहचान एक अलग रूप में देखी जा रही है। एक गरीब देश होने के बावजूद भी आजादी के बाद भारत ने काफी तेजी से विकास किया, और वहीं भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने पूरे विश्व में एक अलग ही पहचान बनाई है। हाल ही के कुछ सालों में इसरो ने अपने चौंका देने वाले मिशन्स को लॉन्च करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है, और इसी की वजह से इसरो को पूरी दुनिया में जाना जाता है। और दोस्तों, ये जानकर भी आपको काफी ज्यादा हैरानी होने वाली है कि इसरो अपने मिशन्स को नासा के बजट के मुकाबले 5% बजट में लॉन्च करता है, जो कि काफी हैरान कर देने वाला है। और दोस्तों, क्या आप जानते हो हमारी स्पेस एजेंसी इसरो की स्थापना भी 15 अगस्त को हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 15 अगस्त 1969 को साइंटिस्ट विक्रम साराभाई के योगदान में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो की स्थापना की गई थी। लेकिन भारत ने इसरो की स्थापना से पहले ही स्पेस रिसर्च के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। दोस्तों, आजादी के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और आजादी के बाद से ये महसूस कर लिया गया था कि भविष्य में यदि भारत को विश्व के दूसरे देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है तो हमें भी स्पेस रिसर्च की ओर आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, विक्रम साराभाई का कहना था कि भारत को भी यदि पूरे विश्व में अपनी पहचान बनानी है, हमें भारत में भी एक स्पेस एजेंसी की शुरुआत करनी होगी। और इसी वजह से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जिम्मा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी को सौंप दिया था, जिसके फाउंडिंग डायरेक्टर थे न्यूक्लियर फिजिसिस्ट होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा को इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का पिता भी कहा जाता है, और यहीं से ही भारत की स्पेस रेस की शुरुआत हुई। इसके बाद इंडियन स्पेस प्रोग्राम को और भी आगे बढ़ाने के लिए साल 1962 में इंडियन साइंटिस्ट विक्रम साराभाई ने डॉक्टर होमी भाभा के साथ मिलकर एक कमेटी तैयार की, जिसका नाम था इनकोस्पार, यानी कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, और इस कमेटी के चेयरमैन विक्रम साराभाई बने थे। इनकोस्पार ने साउदर्न इंडिया के थुम्बा में थुम्बा इक्वाटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन बनाया, जहां से 21 नवंबर 1963 में इंडिया ने पहली बार यूएस द्वारा बनाया गया नाइकी अपाचे रॉकेट को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। बाद में थुम्बा के इस रॉकेट लॉन्चर स्टेशन का नाम बदलकर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर रख दिया गया था। इसके बाद इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को और भी ज्यादा बढ़ावा मिला। फिर 15 अगस्त 1969 को इंडियन स्पेस प्रोग्राम को भारत के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से अलग कर दिया गया, जिसके बाद इसे इंडियन गवर्नमेंट के अंडर काम करने वाली एक संस्था के रूप में स्थापित किया गया, जिसका नाम रखा गया इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो के पहले चेयरमैन बने इंडियन एरोस्पेस इंजीनियर सतीश धवन, और इसके बाद 20 नवंबर 1967 को इसरो ने भारत में बनाए गए पहले साउंडिंग रॉकेट रोहिणी 75 को लॉन्च किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसरो द्वारा अपने पहले रॉकेट को साइकिल और बैलगाड़ी पर रखकर ले जाया गया था, और 19 अप्रैल 1975 को इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट को सक्सेसफुली लॉन्च किया। लेकिन इसरो के पास अपना खुद का कोई भी लॉन्चिंग व्हीकल मौजूद नहीं था, इस वजह से इसरो ने आर्यभट्ट सैटेलाइट को रशिया के कैपस्टिन यार जगह से उनके लॉन्च व्हीकल कॉस्मोस 3M के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके बाद इंडिया ने अपना खुद का सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल यानी कि SLV बनाने में जोर दिया, और इसके बाद अगस्त 1989 तक इंडिया ने अपना खुद का SLV रॉकेट बना लिया। और इस रॉकेट को बनाने में सबसे बड़ा योगदान था APJ अब्दुल कलाम का, और साथ ही इस SLV रॉकेट जिसका नाम था SLV-3 10 अगस्त 1989 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में इसे टेस्ट किया गया। लेकिन भारत का पहला SLV लॉन्च फेल्ड रहा, लेकिन इसरो ने अपनी पहली नाकामयाबी से हार नहीं मानी, और आखिरकार 18 जुलाई 1980 में इसरो ने अपने खुद के सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल से रोहिणी 1 सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च किया। इस समय तक भारत खुद के सैटेलाइट बनाने उन्हें लॉन्च करने की क्षमता हासिल कर चुका था, जिसके बाद इसरो ने कई सारे देशी और विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया। अब भारत के पास 2 सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल हो चुके थे, जिसमें पहला था PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे सैटेलाइट को पोलर ऑर्बिट में लॉन्च करने के लिए बनाया गया था, और दूसरा था GSLV यानी कि जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए बनाया गया था। और 15 अगस्त 2003 में भारत के उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने इंडिपेंडेंस डे स्पीच के दौरान भारत के लूनार मिशन यानी कि चंद्रयान 1 की घोषणा की थी। दोस्तों, उस समय में ये मिशन इसरो के लिए काफी बड़ा मिशन था, क्योंकि ये इसरो का पहला ऐसा मिशन था जो कि अर्थ के बाहर मून एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा जाने वाला था। और ठीक 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपना चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च कर दिया। और इसरो के चंद्रयान 1 मिशन का मकसद मून के एटमोस्फेयर और इसके सरफेस के बारे में रिसर्च करना था,
और दोस्तों क्या आप जानते हो, भारत पूरी दुनिया में चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया था। और हमने चांद पर पहुंचने के लिए किसी भी देश से किसी भी तरह की मदद नहीं ली थी, बल्कि चंद्रयान 1 को हमने खुद की टेक्नोलॉजी पर लॉन्च किया था। और दोस्तों क्या आप जानते हो, इसरो ने अपने चंद्रयान 1 मिशन के जरिए चांद पर पहली बार पानी की खोज की, जो कि इसरो की अब तक की पूरी दुनिया में सबसे बड़ी खोज थी। इसरो की इस खोज ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। और उसके बाद नासा ने भी यह कंफर्म किया था कि चांद पर वाकई में बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। भारत के इस चंद्रयान 1 मिशन के सक्सेस हो जाने के बाद इसरो ने पूरे विश्व में एक नई पहचान बनाई। और इसके बाद 5 नवंबर 2013 में इसरो ने एक बार फिर से पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया। इसरो ने उस समय अपना पहला मंगलयान यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च किया और इसरो ने इस मिशन को अपनी पहली ही पारी में सक्सेस बना लिया था और अपनी पहली ही कोशिश में मंगलयान को मार्स के ऑर्बिट में स्थापित कर दिया था, जो कि पूरी दुनिया में कोई भी स्पेस एजेंसी ऐसा नहीं कर पाई थी। और इस मिशन का मकसद मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर और इसके सरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना था। और इस मिशन की सबसे खास बात तो ये थी कि इस मिशन को 450 करोड़ रुपए के बजट में लॉन्च किया गया था, जबकि नासा को इसी तरह के मार्स ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च करने के लिए 700 मिलियन डॉलर का खर्च आया था। यहाँ तक कि अमेरिका के हॉलीवुड मूवी पर आने वाले खर्च से भी काफी कम बजट में इसरो ने इस मिशन को अंजाम दिया था। और आप इसी से ही अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे भारत की इसरो बाकी स्पेस एजेंसी से किस तरह से खास है और ये किस तरह से पूरी दुनिया में सबसे कम बजट में अपने बड़े बड़े मिशन को अंजाम देती है। और इसी खासियत की वजह से दुनिया भर के कई देश इसरो से अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाते हैं, जिसमें अमेरिका भी इंक्लूड है, क्योंकि इसरो इन सैटेलाइट्स को बाकी स्पेस एजेंसी के मुकाबले में काफी कम बजट में लॉन्च कर देता है। और इसके बाद 23 जून 2016 को इसरो ने एक साथ 20 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था, इसमें से एक सैटेलाइट गूगल का भी था। और इसके कुछ महीनों के बाद ही 8 सितंबर 2016 को इसरो ने एक इंडियन वेदर सैटेलाइट इनसेट 3DR को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। ये सैटेलाइट दूसरा सबसे भारी भरकम सैटेलाइट था, जिसका वजन 2211 किलोग्राम था। और इसके अगले ही साल यानी कि 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक बार फिर से इतिहास रच डाला। इसरो ने उस दिन अपने एक रॉकेट के जरिए पूरे 104 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया और ऐसा करके इसरो ने पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। और दोस्तों ये जानकर आप बेहद ही हैरान होने वाले हो कि इसरो के अलावा कोई दूसरी स्पेस एजेंसी या फिर अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा भी ऐसा करने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है। और इस मिशन की सबसे खास बात तो ये थी कि 104 में से सिर्फ 3 ही सैटेलाइट भारत के थे और बाकी के 101 सैटेलाइट्स इसरो के इंटरनेशनल कस्टमर्स के थे। और 27 मार्च 2019 को इसरो ने एक ऐसा अचीवमेंट हासिल किया जो कि मिलिट्री और स्पेस के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। इस दिन इसरो ने अपने एंटी सैटेलाइट को लॉन्च करके अपने पुराने सैटेलाइट को अंतरिक्ष में ब्लास्ट कर दिया। इसरो ऐसा करने में सक्सेस हो जाएगा ऐसी उम्मीदें किसी को भी नहीं थी, क्योंकि इसरो ने भारत को एक ऐसी पावर दे दी थी जिसकी मदद से भारत अब अंतरिक्ष में भी अपनी सुरक्षा कर सकता है। और इस मिशन का नाम रखा गया था मिशन शक्ति। और इसके बाद इसरो ने अपने GPS नेविगेशन सिस्टम को लॉन्च किया और इसरो ने इसका नाम दिया है IRNSS यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, और साथ ही इसका दूसरा नाम नेविक यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन रखा। दोस्तों इसरो ने अपने IRNS प्रोग्राम के तहत 1 जुलाई 2013 से लेकर 12 अप्रैल 2018 तक कुल 8 GPS सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, जिसके बाद अब इंडियन GPS अच्छे तरीके से काम भी करने लगा है। और दोस्तों क्या आप जानते हो कि इंडियन स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम इतना ज्यादा एक्यूरेट है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके 10 मिनट के रेंज में पिन पॉइंट कर सकता है। और 22 जुलाई 2019 को इसरो ने अपने ऐतिहासिक मिशन चंद्रयान 2 को लॉन्च किया और इसरो ने इस मिशन में एक बार फिर से चांद पर पहुंचने की कोशिश की, जिसमें इसरो ने अपने मिशन में ऑर्बिटर के साथ साथ लैंडर और रोवर को भी शामिल किया। हालांकि इसरो अपने मिशन के दौरान विक्रम लैंडर के ग्राउंड स्टेशन से संपर्क टूट जाने की वजह से अपने लैंडर और रोवर को चांद की सतह पर सक्सेसफुली नहीं पहुंचा पाया, लेकिन इसरो अपने ऑर्बिटर को चांद की ऑर्बिट में सक्सेसफुली पहुंचाने में कामयाब रहा। और ऐसा करके इसरो ने एक बार फिर से पूरी दुनिया में इतिहास रचा और इसरो ने इस मिशन को सबसे कम बजट यानी कि 141 मिलियन यूएस डॉलर में लॉन्च किया था, लेकिन इसरो ने अभी हार नहीं मानी है। इसरो अपने चंद्रयान 3 मिशन में लैंडर और रोवर को एक बार फिर से चांद की सतह पर उतारने की कोशिश करेगी। दोस्तों अभी आपको पता चल ही गया होगा कि इसरो पूरी दुनिया में कितना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। और इसरो की सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि ये पूरी दुनिया के किसी भी स्पेस एजेंसी के मुकाबले अपने बड़े बड़े मिशन को काफी कम बजट में सक्सेसफुली लॉन्च कर देता है। दोस्तों क्या आप जानते हो कि इसरो में काम करने वाले साइंटिस्ट के पास BSc और MSc जैसी साधारण डिग्रियां ही मौजूद है, लेकिन इसरो के साइंटिस्ट में हमेशा नया सीखने और कुछ नया कर दिखाने का
का जज्बा रहता है और इसी की वजह से हमारा इसरो महान है। दोस्तों इसरो की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। इसरो अपने आने वाले भविष्य में और भी कई बड़े स्पेस मिशंस और मैन्ड मिशन करने वाला है और हम सबको अपने भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो पर गर्व होना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और साथ ही आप हमारे नए चैनल साइंस टीवी इंडिया को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।